राम राम जी, आपका अपने YouTube चैनल टीम रॉयल राइफल पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब ने इतने सारे DM, इतने सारे कमेंट करे कि शक्ति दादा की कहानी लेकर आओ, और हमने प्रॉमिस किया था सुनाएंगे, दो चार दिन लेट हो गए हैं। रीज़न यही रहा है कि जब आप लोग इतनी उम्मीद, इतने प्यार के साथ DM और कमेंट करते हो, बोलते हो भाई कहानी सुनाओ किसी की, तो हमें भी ये लगता है कि अच्छे से अच्छी कहानी सुनाए, जो फिर हमारे चैनल पर अगर आपने वो कहानी सुन ली तो फिर आपको उसके बारे में और सर्च करने की ज़रूरत ना पड़े, और अगर आप करो भी तो इस वीडियो से ज़्यादा बाहर कहीं आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। आपको बताएं, इस वीडियो में बहुत दिलचस्प बातें शक्ति दादा से जुड़ी हुई, नीरज भवाना से जुड़ी हुई, और अपोजिट गैंग जिसने शक्ति दादा कत्ल करा उनके बारे में बताऊँगा। ये बताऊँगा कि शक्ति दादा कौन था, कहाँ जन्म हुआ, क्या रिलेशन थे, क्या प्यार था नीरज भवाना के साथ, किसने और क्यों कत्ल करवाया शक्ति दादा का, और साथ में लास्ट में मैसेज देंगे, जो मैसेज हमेशा छुपा होता है हमारी वीडियो के अंदर, कि गैंगस्टर की कहानी तो मैं सुना रहा हूँ बट इससे एक आपको आज एक सीख देना चाहता हूँ कि इतना सुंदर लड़का, इतने अच्छे परिवार, इतने अच्छे घर से होने के बावजूद इस जुर्म की दुनिया में कूदा, जिसको लोग इतना प्यार करते थे, तो फिर एंड कैसा रहा और क्या हमें सीखना चाहिए शक्ति दादा की कहानी से। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर न करके वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर फर्स्ट टाइम आया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, साथ ही वीडियो को लाइक करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और हमारा भी प्रोत्साहन होता रहे, अच्छी अच्छी वीडियोज़ हम आपके लिए लेकर आते रहें। दोस्तों, शक्ति दादा का रियल नेम था शक्ति जून। जाट परिवार में जन्म हुआ, किसान परिवार में जन्म हुआ, और बहुत ही नामी परिवार था। झज्जर के छोची गाँव में 1995 में शक्ति दादा का जन्म हुआ। शक्ति दादा के मामा रामबीर शौकीन पूर्व विधायक रहे हैं दिल्ली से, आप लोग जानते होंगे, क्योंकि नीरज भवाना और रामबीर शौकीन का नाम हमेशा जुड़ता है, दोनों वो भी मामा भांजी हैं और ये दोनों भी मामा भांजे थे, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि इसी बात से आपको पता लग जाएगा, नीरज भवाना और शक्ति दादा मौसी मौसी के हैं और मौसेरे भाई थे, पर मौसेरे भाइयों का सगे भाइयों से भी ज़्यादा प्यार था। आपने देखा ही होगा कितनी बार, जब भी शक्ति दादा की कोई वीडियो या कोई फोटो फेसबुक या अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट होती थी तो हमेशा उसमें नीरज भवाना का जिक्र जरूर रहता था। आपको मैंने बताया कि रियल भाइयों जैसा प्यार था, बट बचपन में किसी ने नहीं सोचा था कि शक्ति दादा का गैंगस्टरी की दुनिया से भी नाम जुड़ जाएगा, क्योंकि खेलने का शौकीन था, पढ़ने का शौकीन था, और जितने भी लोगों से मेरी बात होती है, उनके जान पहचान के, उनके गाँव वालों से, तो वो यही बताते हैं कि शक्ति जो था वो भाई बहुत ही अच्छा लड़का था और कभी भी उसने किसी का बुरा नहीं किया। आपको बताएं, 15 साल की उम्र में ये गैंगस्टरी वाली जो दुनिया थी, इससे नाम जोड़े जाने लगा शक्ति दादा, क्योंकि नीरज भवाना उस टाइम टॉप का बदमाश बन चुका था पूरे NCR दिल्ली का। 2014 में पहली बार शक्ति दादा नीरज भवाना के साथ कोलकाता रहा और वहाँ पर उसकी फरारी काटने के टाइम उसके साथ दिया। वहाँ से ही बताते हैं कि इंटरेस्ट जो था गैंगस्टरी की दुनिया में वो बढ़ गया, और कुछ गुर, कुछ नई चीज़ें इस बारे में शक्ति ने नीरज से सीख ली थी। उसके बाद कुछ छोटी मोटी वारदातें शक्ति के नाम पर लगी और धीरे धीरे शक्ति का नाम बड़ी वारदातों में जुड़ने लगा। फिर तो लास्ट में ये भी हो गया था कि अमन धनंजय और शक्ति दादा खुद, ये दो ही इंसान थे जो नीरज भवाना की पूरी गैंग को बाहर से संभालते थे, उनके लिए वसूली करते थे, उनके लिए जो भी बड़े काम होते थे वो सब ये दोनों मिलकर करते थे। स्टिल एट द एंड, जब भी इतना कुछ होने के बाद भी, इतना बदनाम, इतना कुछ होने के बाद भी शक्ति ने कभी अपने भाई का साथ नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि काली स्कॉर्पियो रखता था, उस पर कभी भी रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं डाला और हमेशा नीरज भवाना के नाम की प्लेट लगा के रखी। बहुत प्यार करते थे एक दूसरे से, और अपने छोटे भाई की तरह ही नहीं, नीरज उसे अपने बेटे की तरह भी मानता था। कई बार हमने देखा है कि नीरज और शक्ति की फ़ोटोज़ जेल से भी पोस्ट हुई हैं। आपको बता दें दोस्तों, यहाँ तक तो सब फिर भी ठीक चल रहा था, बट एक एक करोड़ की जो फिरौती मांगने का केस जब शक्ति दादा के ऊपर लगा, तो दिल्ली पुलिस को बहुत बहुत ज़्यादा तलाश मचा दी थी, उन्होंने बहुत बुरी तरह से शक्ति के पीछे लग गए थे। तब जाकर 2020 में ही 14 फरवरी को नीरज भवाना को जब पेशी पर लाया जा रहा था, तब शक्ति दादा वहाँ मिलने पहुँचा था और वहाँ से शक्ति दादा को अरेस्ट कर लिया गया था। उसके कुछ दिन बाद शक्ति दादा छूट गया था, अपने घर आ गया था, रहने लगा था। अक्टूबर 7, 2020 को, यानी कि पिछले साल, एक दिन शाम को, बुधवार को, जब स्टेडियम खेलने, वॉलीबॉल खेलने जा रहा था शक्ति दादा, तब 4 अज्ञात लोग वहां पर आए बाइक पर सवार होकर, और उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, 12 गोलियां चलाई,
जिसमें से 5 गोलियां पोस्टमार्टम में साबित हुआ कि 5 गोलियां लगने की वजह से शक्ति दादा की मौत हो गई। वो 5 गोलियां एक यहाँ पर लगी थी, कमर पे लगी थी, साथ ही पैरों में कुछ गोलियां लगी थी, तो ऑन द स्पॉट शक्ति दादा का जो है मर्डर हो गया था। अगले दिन फिर थर्सडे को 8 तारीख को अंतिम संस्कार वगैरह हुआ, तलाश जारी रही, कुछ टीमें बनाई गई किसको पकड़ा जाना था, बट एक नाम इस सारे हत्याकांड में जो सबसे ऊपर आ रहा था वो आ रहा था अशोक प्रधान का, अशोक प्रधान की गैंग का, और बाद में यही हुआ मोंटी अशोक प्रधान गैंग की जो मेन शूटर था अशोक प्रधान गैंग का, उसको अरेस्ट किया गया। और फिर पुलिस ने दावा किया कि ये सब वर्चस्व की लड़ाई थी, क्योंकि अशोक प्रधान वर्सेस नीरज बवाना पिछले कई दशकों से चल रहा है, जब से नीतू दावड़िया की 2013 में एनकाउंटर हुआ है तब से अशोक प्रधान गैंग ने ही उसकी गैंग को संभाला, और तब से ही ये कसम खा रखी है कि नीरज बवाना और उसके साथी जितने भी हैं उनको ख़त्म करेंगे। ये गैंग वॉर चल रही है, इसके बारे में फिर कभी आपको बताएंगे। 5 लाख का इनाम है, अशोक प्रधान कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, बहुत बड़ा नाम है गैंगस्टरी की दुनिया में। और आपको बता दें इनकी जो गैंग वॉर है उसमें अब तक 10 सालों में 2 दर्जन से अधिक लोगों की हत्याएं हो चुकी हैं। सॉलिड रीजन क्या रहा अशोक प्रधान गैंग ने क्यों मारा वो तो अब तक पता नहीं चला है, बट पुलिस ने यही बताया इनर सोर्सेज से कि सारी वर्चस्व की लड़ाई है, और अमन धनंजय और शक्ति दादा दोनों ही नीरज बवाना गैंग को संभालते हैं, उनको कमजोर करने के लिए उसकी गैंग को इसको मारा गया। दोस्तों मैसेज क्या देना चाहते हैं, हम हमेशा कभी कोई स्टोरी सुनाते हैं किसी गैंगस्टर की तो उससे एक मैसेज देते हैं, और हमें हमेशा बताता हूँ कि हमें इस काली दुनिया से, इस जुर्म की दुनिया से क्यों दूर रहना चाहिए। इस स्टोरी को सुनने के बाद तो आपको बिल्कुल लगना चाहिए कि हाँ भाई, एक लड़का जिसको जिसकी पर्सनैलिटी बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर जो आज टिकटॉक पे और इंस्टाग्राम पे स्टार बनते हैं उससे अच्छी पर्सनैलिटी वाला लड़का कैसे 25 साल की उम्र में इस दुनिया को छोड़कर चला गया। आपको बताएं दोस्तों, जितने भी ये गैंगस्टर रहते हैं हम इनके रील्स देखते हैं, फोटोज़ देखते हैं, उनमें हम इनको हंसते हुए देखते हैं, बट अंदर कुछ और ही होता है। फैमिली जानती है या ये खुद जानते हैं कि इनके ऊपर कितना प्रेशर रहता है, कितना इनके ऊपर दबाव रहता है। पल पल अगर कोई गाड़ी बाहर रुकती है तो इन्हें लगता है तो पुलिस की गाड़ी होगी या दूसरी गैंग की गाड़ी होगी। एक माइंड में हमेशा एक चीज़ घुसी रहती है कि कभी भी हमला हो सकता है, कभी भी पुलिस पकड़ सकती है। पहले भी बोल चुका हूँ मैं, हमेशा हर वीडियो में बोलता हूँ कि जितने भी गैंगस्टर हैं अगर वो या तो सुधर जाएं, अगर नहीं सुधरते और एक तरफा ऐसे ही करते रहते हैं तो उनकी उम्र लास्ट 40 साल होती है, 40 साल अगर वो क्रॉस करके तो या फिर वो जेल में रहते हैं। 2 ही ऑप्शन बचते हैं, या तो जेल की सलाखें या फिर अपोजिट गैंग या पुलिस की गोली, इसके अलावा कोई भी एंड नहीं है इस काली दुनिया का। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, और किसकी कहानी आपको सुननी है वो भी बता देना। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। जय हिंद जय भारत।